भी मजा आएगा ना भिड़ो। चीटिंग 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 करता है तू। कौन है ये लोग? हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वैसे यार, अपना भारत हो या कोई दूसरा देश हो, हर देश में चोरी होना तो एक आम बात है। चोर दिन दहाड़े सबके सामने चोरी करके चले जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन भैया, कभी कभी इन्हीं चोरों को इनकी कला बारी भी बढ़ जाती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं मूर्ख चोरों से मिलवाने वाले हैं, जिनके कारनामे देखकर आप हंसते हंसते सिर्फ एक ही बात कहेंगे, वाह क्या सीन है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे पूरा देखना यार, आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। चलो, इंसान तो ठीक है अपनी मजबूरी के कारण या किसी और कारण से चोरी करते हैं, लेकिन अब ये पक्षी भी चोरियां करने लगे, अब यार इनकी क्या मजबूरी है? इस नज़ारे को देखकर तो मैडम जी को भी हंसी आ गई, जिनके पैसे लेकर ये पक्षी उड़ा है। वैसे यार, हो सकता है इस पक्षी की कोई मजबूरी हो। अब ये मत पूछना कि क्या मजबूरी है, जो भी है भाई, अब तो ये पक्षी ही जाने, इसी से पूछना पड़ेगा। देखो यार, डिलीवरी बॉय का काम होता है कि जहाँ का उसको पता मिला है वहाँ पर सामान डिलीवर करके चले जाना। जैसे कि ये भाई साहब भी पते के अनुसार सामान रखकर चले जाते हैं। अब बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है यार। रुको जरा, सब्र करो। मतलब यार, यहाँ पर तो घर का ही भेदी लंका ढह गया। पहले तो सामान को डिलीवर कर दिया और उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा गेटअप चेंज किया और हाथ सफाया कर दिया। लेकिन वो क्या है कि भाई साहब को पता नहीं था कि यहाँ पर तीसरी आंख लगी हुई है, वरना वो ऐसा करने की कभी भी हिम्मत नहीं करते। कुछ ऐसी ही घटना यहाँ पर भी हुई। यहाँ पर ये मैडम जी कुछ सामान ले रही थी और वो सामान लेकर जाने भी लगी, लेकिन अचानक से उनके आगे पीछे दो स्कूटियाँ आ गई और पीछे वाली स्कूटी का मुंह मैडम जी की स्कूटी में भी फंस गया था। तो दोनों इसी चीज को निकालने में लग गए। इतने में चोर ने अपना कमाल शुरू कर दिया, यानी कि भैया स्कूटी से मैडम जी का सामान लेकर चोर जी 9-2-11 हो गए। मतलब मैडम जी की आंखों से काजल चुरा लिया और मैडम जी को भनक तक नहीं पड़ी। लेकिन पिक्चर यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब मैडम जी को पता चला कि अपना तो सामान ही गायब है यार, तो फिर वो दुकानदार और सबसे पूछने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या नाचोगे? देखो, यहाँ पर ये दुकानदार गेम खेल रहा होता है। इतने में ग्राहक आ जाता है तो दुकानदार उनको जो सामान चाहिए होता है वो दिखाने लगता है। लेकिन शायद भैया जी को पहली बार में कपड़े पसंद नहीं आते, इसीलिए वो और कपड़े मंगवाने के लिए कहते हैं। तो दुकानदार भी बेचारा उनके कहे अनुसार कपड़े लेने के लिए जाता है। इतने में भाई साहब अपना कमाल दिखा देते हैं, यानी कि तुरंत गुल्लक के अंदर से गड्डियां निकाल कर अपनी जेब के अंदर डाल देते हैं। गजब तो बीवाज आदमी। और फिर गुल्लक को एकदम से वैसे के वैसे ही बंद कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। और बेचारे दुकानदार को भनक तक नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो बेचारे अंदर कपड़े ढूंढने में लगा रहता है। वैसे योगा करने के फायदे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक अलग ही तरह का फायदा दिखाएंगे, जरा आप खुद ही देखिए। कैसा लगा योगा करने का फायदा? अच्छा है ना? कमेंट बॉक्स में बताना यार। अरे मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक है, जल्दी से जाकर फॉलो कर दो यार। जरा आप इन भाई साहब की कलाकारी को देखिए। ये पहले आसपास देखकर निरीक्षण करते हैं कि कोई है तो नहीं, और जब इनको यकीन हो जाता है कि हाँ अपना रास्ता बिल्कुल साफ है, तो ये बड़े ही आराम से गाड़ी के पास आते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि कहीं इसमें लॉक वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। लेकिन गाड़ी में सचमुच में लॉक लगा हुआ होता है तो फिर क्या, ये बड़ी ही चालाकी से एक पल में उस गाड़ी के लॉक को तोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर से ये एक बार और आसपास देखते हैं कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं या
फिर रास्ते पर कोई आ जा तो नहीं रहा, और जब वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो बाइक लेकर 9-11 होने लगते हैं। लेकिन पिक्चर यहीं पर खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, क्योंकि आंटी जी को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो चिल्लाने लगती है, तो महाशय जी डर कर गाड़ी को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। मतलब मिशन फेल। वैसे यार आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है और हंसी भी आई है तो भैया जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी है तो फिर यार आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और नई वीडियो देखने के लिए जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।